तो आ गए तुम लोग। वैसे मैं आया हूँ, और बाकी तुम लोगों ने इस वीडियो को टाइटल देख के ये बात तो पता कर ली होगी कि टॉप 10 मार्वल मूवीज की बात होने वाली है, पर किस तरह से, पैसे के बेसिस में। आज के इस वीडियो में हम जो भी मार्वल मूवीज को रैंक करने वाले हैं वो इसके बेसिस में करेंगे कि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना ज्यादा था, और जिसका सबसे ज्यादा होगा वो ऑब्वियसली नंबर 1 पे होगा। इसके साथ साथ सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात हो रही है, तो इससे बाहर मत जाना प्लीज। फटाफट से शुरू करते हैं, फटाफट से कैप की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब मार दो। तो चलो अब शुरू करते हैं इस लिस्ट को नंबर 15 से। नंबर 15 पे है मार्वल की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी 2014 में आई थी, और इसमें कुछ कार्टूनों को इकट्ठा किया गया और हमारे सामने प्रेजेंटेट किया गया। हाँ, इन कार्टूनों को हम पहली बार देख रहे थे इस पूरी मूवी में, तो इसीलिए हर एक फैन के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था। बट मार्वल ने बहुत ही अच्छी तरह प्रेजेंटेट किया इस मूवी को हमारे सामने। हालांकि अब मार्वल बदल गया है, बट उस टाइम ऐसा नहीं था, और हमें रोनन का कैरेक्टर भी परफेक्टली दिखा। एक पावर स्टोन यानी एक इन्फिनिटी स्टोन भी इंट्रोड्यूस होते हुए दिखा, और इससे भी बड़ी बात इन कार्टूनों की कमाल की एंट्री हुई। इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $772.8 million की। नंबर 14 थॉर रैगनरॉक। थॉर के कैरेक्टर को किसी मूवी ने पूरी तरह बदला और फैन का फेवरेट बनाया था, वो थी थॉर रैगनरॉक। इस मूवी में थॉर के कैरेक्टर को एकदम अपोजिट कर दिया गया, उसे कॉमेडी एंड थोड़े जोक्स भी दिए गए। इस मूवी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह हैला के ऊपर बेस्ड था, जो थॉर की बड़ी बहन थी, ओडिन के पकड़ से छूट आई थी और पूरे एस्कार्ड को तबाह करने के लिए आ चुकी थी। लास्ट में थॉर ने उसे कैसे भी करके रोक लिया। इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $854 million की। इस मूवी में टाइका वाटिटी ने कॉमेडी एलिमेंट को बहुत ही ज्यादा ढंग से यूज किया। सर यार, आपने की कमाल की मूवी बनाई है, आप हमें बताइए आपने क्या फूक के इस मूवी का आइडिया चुना था। नहीं यार, मैं नहीं बता सकता यार, वो मेरा सीक्रेट है यार। तो टाइगर बटीटी ने अपना सीक्रेट नहीं बताया, जिस वजह से थॉर लव एंड थंडर आई, और तुम्हें तो पता ही है कि इस मूवी में फाड़ी थी कॉमेडी एलिमेंट की। और इसके बाद अपन लोगों को ये बात पता चली कि टाइगर बटीटी ने गलती से सस्ते नशे कर लिए थे, इसीलिए आप भी सतर्क रहे, सावधान रहे, सस्ते नशों से बचे, ना किसी को करने दे और ना खुद करें। धन्यवाद। नंबर 13 वॉल्यूम 2। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की सेकंड मूवी ने भी धमाका मचा दिया। पहले की तरह हमने गार्डियंस को इस मूवी में फिर से देखा, इसके साथ साथ हमें पीटर के डैड के बारे में पता चला। इस मूवी में हमें बेबी ग्रूट का कैरेक्टर भी देखने को मिला। पहले हम सोच रहे थे कि क्या दिखाएंगे ये, बट यार इस कैरेक्टर ने सबका दिल जीत लिया। हाँ, इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी $863 million की। इसके साथ साथ हमें एंटीने वाली एलियन भी देखने को मिली। नहीं, ये किसी के ऊपर अंडे नहीं छोड़ती है, बट यार पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये ईगो के प्लेनेट में सिग्नल का काम करती है, टावर की तरह। नंबर 12 स्पाइडरमैन होमकमिंग। तो अपने पीटर भैया की ये फर्स्ट मूवी थी, मतलब टॉम हॉलैंड की एमसीयू में, जो हमें स्पाइडरमैन एंड द सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस हो चुका था। इस मूवी की स्टोरी भी एकदम सिंपल थी। वल्चर विलन था, जिसने हर जगह अंतक फैलाया हुआ था एंड स्पाइडी उसे रोकने वाला था। हालांकि हमें ये बात भी पता चल रही है सूत्रों से कि स्पाइडरमैन ने इस मूवी में फेविक्विक का काम भी बहुत ज्यादा किया है, बट तब भी ये मूवी इतनी ज्यादा हमसे कनेक्ट इसीलिए हो पाए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीनेजर इससे कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि ये स्कूल लाइफ के ऊपर भी बेस्ड थी। और तुम खुद ही सोचो कि स्कूल लाइफ में अगर हमारे पास सुपर पावर होती तो हम क्या क्या कर लेते। वो बात अलग है कि मैं अभी भी स्कूल लाइफ में ही हूँ। इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $880 million की। बट यार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ज़्यादा स्पाइडरमैन घर पहुंचेगा या नहीं, मतलब होम कमिंग, फार फ्रॉम होम, नो वे होम, तो फोर्थ मूवी का टाइटल क्या हो सकता है, नेवर कम होम। जी आपने सही सुना, स्पाइडरमैन नेवर कम होम। बुकिंग ओपन्स नाउ नजदीकी आपकी सिनेमाघरों में। नंबर 11 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, जिस वजह से उसने पूरे मल्टीवर्स में हाहाकार मचा दिया था। तो अपने स्ट्रेंज भैया ने बस उसे यही रोकना था, पर रोक नहीं पाया वो, क्योंकि खुद ही हार मान ली वांडा ने लास्ट में, उसे रियलाइज हो गया सब कुछ। और इस मूवी का नाम भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, यानी मॉम, यानी तुम्हें पता ही कि वांडा भी तो बच्चों को ही ढूंढ रही है। स्कारलेट विच इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें सैम रेमी का डायरेक्टिंग स्टाइल देखने को मिला। इससे बड़ी बात, स्कारलेट विच इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें एक न्यू ग्रुप एलुमिनाटिस भी देखने को मिला। नहीं, ये ट्रायंगल वाले नहीं, ये वाले। नंबर 10 कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल फर्स्ट एमसीयू फीमेल सोलो सुपर हीरो मूवी थी, जिसने इतना ज्यादा पैसा छापा। इस मूवी में हमें कैप्टन मार्वल यानी कैरल डैनवर्स को दिखाया जाता है, जो क्री वगैरह से लड़ती है एंड लास्ट में सब कुछ शॉर्टेड कर देती है। हमें इस मूवी में यंग फ्यूरी दिखा, जो कि फ्यूरी एंड कैरल का एक कमाल का कॉम्बो था। वो बात अलग है कि कैप्टन मार्वल को पायलट बनना था, इसलिए इसे उड़ने वाली पावर भी मिल गई, बट तब भी ये मूवी कमाल की थी। इस मूवी की ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $1.12 billion की। और इस बार मेरे पास कोई जोक नहीं है, क्योंकि बहुत से फैंस कैप्टन मार्वल को ही जोक मानते हैं। नंबर 9 स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम।
तो स्पाइडरमैन की सेकंड मूवी यानी अपने टॉम हॉलैंड की सेकंड मूवी ने भी पूरे एमसीयू में हाहाकार मचा दिया। मिस्टीरियो जैसे कमाल के विलन को हमने इस मूवी में देखा, इसके साथ साथ स्पाइडरमैन के साथ उसकी ऑसम फाइट, एक स्कूल के बच्चे यूरोपियन ट्रिप में क्या कांड करते हैं वो भी हमें इस मूवी में देखने को मिला। कॉमेडी एलिमेंट तो भाई अब पीटर की मूवी में नहीं होगा तो किसकी मूवी में होगा। इस मूवी में अपना पीटर अपने सर, गुरु, अध्यापक, शिक्षक आयरन मैन को बुलाने की कोशिश कर रहा था। इस मूवी के फाइटिंग सीन्स कमाल के थे और VFX तो मार्वल के हर मूवी के ही औसम होते हैं। इस मूवी की ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $1.3 बिलियन, मतलब समझ रहे हो बहुत पैसा छापा है। और हाँ, नेवर कम होम को मत भूलना, जल्दी आने वाली है वो। अब चुप, बिल्कुल चुप, अब एक भी बार नेवर कम होम बोला तो गोली ठोक देंगे तेरे सिर पे। नंबर 6, कैप्टन अमेरिका एंड द सिविल वॉर। तो ये मूवी लिटरली मार्वल की नेक्स्ट लेवल मूवी थी। एंड इस मूवी में दो दोस्त आपस में लड़ चुके थे, एक कह रहा था कि नहीं मैं गवर्नमेंट के अंदर ही काम करूंगा, तो एक कह रहा था भाड़ में जाए गवर्नमेंट। और इनकी लड़ाई इतनी नेक्स्ट लेवल पहुंच गई कि ये टीम बनाने में ही उतर आए, टीम बनाई, बहुत ही कमाल की फाइट हुई, एंड एट लास्ट सब कुछ शॉर्टेड हो गया। बट उसी टाइम टोनी को पता चलता है कि उसके माँ बाप को बकी नहीं मारा है, तो लड़ाई फिर से शुरू हो गई और फिर मूवी खत्म होने तक लड़ाई खत्म ही नहीं हुई। और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $1.15 बिलियन की। बट मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी का नाम कुछ और होना चाहिए था, कैप्टन अमेरिका 3 दोस्त बने दुश्मन, और दुश्मन नहीं 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 दुश्मन दुश्मन ही है, यानी कि जो मेरे दोस्त है वो मेरे दुश्मन है। और भाई क्या कर रहा है, फिर खेलने चलेगा, मगर क्यों? और ऐसे ही हजारों बच्चों ने की अपने दोस्तों की हत्या, इंजाम आ रहे हैं इस सस्ते यूट्यूबर पे। नंबर 7, आयरन मैन 3। तो आयरन मैन की एक थर्ड मूवी थी। कोई लोग ये कहते हैं कि आयरन मैन की इस मूवी में वो दम नहीं था जो पहली वाली मूवी में था, बट तब भी ये मूवी ठीक ठाक थी। बट तब भी इस मूवी में इतना ज्यादा माल इसलिए छापा क्योंकि इस मूवी में RDJ थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस टाइम तक अपनी पहचान इतनी बड़ी बना ली थी कि और किसी की नहीं थी। और क्या मूवी हिट, हिट क्या सुपर हिट। इस मूवी की ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $1.215 बिलियन की। नंबर 6, ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर किंग टीचाला की फर्स्ट मूवी थी, एंड इस मूवी में हमने वकांडियन टेक्नोलॉजी को देखा, एक रिच सिविलाइजेशन वकांडा को देखा, एंड इससे भी बड़ी बात वकांडियन कल्चर को फॉलो होते हुए देखा। ये मूवी लिटरली नेक्स्ट लेवल थी। इसके फाइटिंग सीन्स तो कमाल के थे ही थे और इसके कस्टम डिजाइनर तो भाई नेक्स्ट लेवल थे। इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $1.347 बिलियन और मजे की बात यह है कि इसे सिर्फ $200 मिलियन में बनाया था, मतलब इसने 6 या 7 गुना ज्यादा फायदा करवा दिया कंपनीज को। और जोक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सर कैडविक बोसमैन के लिए कोई जोक नहीं, वकांडा फॉरएवर। नंबर 5, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। तो एक टीन का डब्बा आयरन मैन के कंट्रोल से बाहर आ गया, उसने जार्विस को मार दिया, हालांकि जार्विस फिर जिंदा हो गया था विजन के रूप में, लेकिन हाँ इसने सब कुछ कांड किया अपने अल्ट्रॉन ने। अल्ट्रॉन लिटरली नेक्स्ट लेवल विलन था जिसने पूरी मूवी में ही तबाही मचा के रख दी। अगर हर एक सिंगल अल्ट्रॉन को तबाह नहीं किया जाता तो वो सबको तबाह कर देता। इस मूवी की ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी $1.43 बिलियन की, जो कि इस मूवी को बहुत ज़्यादा खास बनाती है। और भाई अवेंजर लेवल की मूवी है तो इतनी तो बनती भी है। वो बात अलग है कि इस मूवी में बहुत से लोग पेड़ के पीछे छुप छुप के गाने गा रहे थे। नंबर 4, द अवेंजर्स। तो 2012 की ये मूवी लिटरली नेक्स्ट लेवल थी क्योंकि फ्यूरी ने चिल्ला चिल्ला के सबके कान भर दिए थे कि अवेंजर्स आएगी, अवेंजर्स, अवेंजर्स बनाऊंगा मैं अवेंजर्स। और तब से हम लोगों को भी ये बात पता चल गई थी कि भाई समझ गए बहुत कमाल की मूवी होने वाली है, और सचमुच बहुत कमाल की भी थी। इस मूवी में हमें 6 सुपर हीरो एक साथ दिखे, यानी ओरिजिनल 6। लेकिन इस मूवी को और ज्यादा खास बनाया अपने फैन फेवरेट विलन लोकी ने। लोकी ने के कमाल की एक्टिंग की है, वैसे भी टॉम हिडलस्टन हर मूवी में ही करते हैं, और इस मूवी में लिटरली वो पूरे की पूरी आर्मी को लेके आ गया, अवेंजर्स के ऊपर चढ़ गया, बट लास्ट में सब कुछ शॉर्टेड हो ही गया। और इस मूवी की ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $1.519 बिलियन की। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ $220 मिलियन के बजट में ही बनाया गया था। और बाकी कोई खास जोक तो नहीं है, बट गलती से भी इस मूवी को पॉज करके मत देखना वरना। नंबर 3, स्पाइडरमैन नो वे होम। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्पाइडरमैन की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है क्योंकि इस मूवी में हमें टॉम हॉलैंड, टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड तीनों एक साथ देखने को मिले। वो बात अलग है कि सिनिस्टर 6 की जगह फिनिस्टर 5 हमें देखने को मिला, बट जब भी हमने काम चला लिया। इस मूवी में डॉक्टर साहिब की एक छोटी सी गलती जो पीटर की वजह से हुई, जिससे बाकी यूनिवर्सिस के भी स्पाइडरमैन या जो स्पाइडरमैन को जानते थे वो सब यहाँ पे टपक आए और बस चढ़ गए सब एक दूसरे पे। इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $1.901 बिलियन की। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नेवर कम। नंबर 2, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर।
तो बेसिकली ये मेरी अब तक की पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फेवरेट मूवी है, क्योंकि भाई बहुत ही कमाल की मूवी है यार ये। इस मूवी में इतने ज्यादा करेक्टर्स को बैलेंस करना था, अपने बैंगन को पहली बार दिखाना था ढंग से, तो बहुत ही अच्छी तरह प्रेजेंटेट किया यार मार्वल ने इसे। जरा तुम खुद सोचो हमें क्या कमाल के तो टीम हैप्पी दिखाए, मतलब कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, थॉर एंड गार्डियंस एंड आयरन मैन एंड गार्डियंस, इसके साथ साथ और भी कमाल के टीम अप हमने इस पूरी की पूरी मूवी में देखे हैं। एंड एट लास्ट थॉर की कमाल की एंट्री, कैप्टन अमेरिका की कमाल की एंट्री, इनफैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की भी ऑसम थी, पर थॉर की तो बवाल थी। वो बात अलग है कि बैंगन जीत गया, बट छोड़ो उस बात को। इस मूवी की ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 2.048 बिलियन डॉलर की। तो फाइनली नंबर वन नन अदर देन अवेंजर्स एंड गेम। तो अपने बैंगन ने जो कांड किए थे, ब्लिप की थी, उन सबको वापिस भी लाना था, इसीलिए उसके लिए एंड गेम हमारे सामने आए, जहाँ पे अपने अवेंजर्स ने बदला लिया अपने इस बैंगन से। इस वाले को तो पहले ही काट दिया, और जो दूसरा वाला था उसे भी बाद में मार ही दिया। इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी $2.798 बिलियन, जो कि अब तक की मार्वल की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी है। तो गाइस ये थे वो सब मूवीज, बाकी तुम लोग अपनी फेवरेट मूवी हमें कमेंट में जरूर बताना कौन सी है, एंड कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की थी, ऐसे बोर आ रहा था बैठे बैठे तो सोच लिया ये सब। बाकी बताओ तुम्हें वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट में, एंड कुछ भी डिटेल मिस हो गई है तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताना। तो ये था कंप्लीट वीडियो, बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपरहीरो स्टूडियोस एंड यू ऑल आर सुपरहीरोज 10 असेंबल्ड।